Assalamualaikum class students. आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर लॉक करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पेंट. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पेंट का मतलब होता है कि पेंट के अंदर फॉर्मेटिंग करें, यानी कुछ भी चेंजेस करें, उसको फॉर्मेट करके बिल्कुल चेंज कर दिया जाए. और वो किसम के अंदर करेंगे हम अपने पेंट के अंदर, यानी टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट का होता है कुछ भी लिखा हुआ. जैसे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई तो ये क्या है मेरा टेक्स्ट है. तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पेंट, टेक्स्ट को चेंज करना है पेंट के अंदर. तो इस चैप्टर में मतलब ये है कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करें पेंट के अंदर इन पेंट. तो इसके कुछ टॉपिक दिए गए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन के बाद इसका टेक्स्ट टूल है. टेक्स्ट टूल टॉपिक पढ़ेंगे. दैन टाइपिंग टेक्स्ट इन कलर, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, मूविंग अ टेक्स्ट बॉक्स. हम ये सारे टॉपिक इसके अंदर रीड आउट करेंगे. आइए सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की जानिब चलते हैं. Introduction. There are maybe times when you might like to include some text in your drawing, for example while making a birthday card for your friend. In paint you might want to write happy birthday. In paint you write the text using the text tool. अच्छा, इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया गया है कि आप जैसे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ड्राइंग के अंदर, एग्जांपल है जैसे आप एक बर्थडे कार्ड बना रहे हो और आपके फ्रेंड की बर्थडे है और आप पेंट के ऊपर वो बना रहे हैं, तो आपने हैप्पी बर्थडे राइट करा पेंट के ऊपर और किसके ज़रिए करा, यूजिंग टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल के ज़रिए करा. इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है टेक्स्ट टूल, यानी टेक्स्ट टूल को किससे शो किया जाता है, इस वाले ए से शो किया जाता है. द टेक्स्ट टूल इज़ यूज फॉर इंटरेस्टिंग टेक्स्ट इन अ पेंट. टेक्स्ट टूल किस लिए यूज़ होता है, पिक्चर्स को इंटरेस्टिंग करने के लिए, टेक्स्ट को टेक्स्ट पिक्चर को इंटरेस्टिंग करने के लिए, यानी और अच्छा बनाने के लिए. इसके बाद है यूजिंग द टेक्स्ट टूल, किस तरीके से टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 1, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. क्लिक करें टेक्स्ट टूल पर, टेक्स्ट टूल ग्रुप के अंदर जाके, टूल्स ग्रुप में जाके वो जो हम काम मिलेगा मैं होम टैब पे फिगर 5.1 में दिखाया जा रहा है. फिगर 5.1 ये रही हमारी टेक्स्ट टूल इन अ होम टेक्स्ट. टेक्स्ट टूल कहाँ है, होम टैब पर है. इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है मूव द माउस पॉइंटर. माउस पॉइंटर को मूव करें टू द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया के अंदर नोटिस डेट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू आई शेप्ड कर्सर. किसके अंदर चेंज हो जाएगा, शेप्ड कर्सर के अंदर. इस वाली शेप्ड कर्सर के अंदर हमारा जो माउस पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इसके बाद हमें एक नोट दिया गया है, द टेक्स्ट टैब अपीयर्स सेपरेट फ्रॉम द होम टैब. यू विल सी मैनी ग्रुप्स इन दिस टैब. टेक्स्ट टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स भी हमें नज़र आते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज के जाने चलते हैं. इस पर हमारा थर्ड स्टैप लिखा हुआ है. क्लिक एंड ड्रैग द माउस वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट. अ डॉटेड रेक्टेंगल, अ ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर. द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर विद इन दिस बॉक्स. नंबर 4, टाइप माई ड्राइंग यूजिंग द कीबोर्ड. फिगर 5.2, फिगर 5.2 के अंदर यूजिंग द टेक्स्ट टूल लिखा हुआ है. इसके अंदर हम लोगों ने माई ड्राइंग, हम लोगों ने इस तरीके से बस एक कोई भी वर्ड हम लोगों ने टाइप कर दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कीबोर्ड की मदद से माई ड्राइंग टाइप कर दिया और वो हमें इधर दिख रहा है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक है वो है टाइपिंग टेक्स्ट इन कलर, यानी कलर से टाइप करना टेक्स्ट को. नंबर वन स्टैप, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल के ऊपर, इन द टूल्स ग्रुप में जाकर ऑफ द होम टैब, जो कि हमें काम मिलेगा होम टैब पे. फिगर 5.3 में दिखाया जा रहा है, अभी हम उसको देखेंगे. इसके बाद स्टेप 2 है ड्रैग द कर्सर. कर्सर को ड्रैग कीजिए टू ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स के पास है ये, इन द ड्राइंग एरिया के अंदर. नंबर 3, क्लिक ऑन कलर 1. क्लिक करेंगे कलर 1 पर. मैंने आपको कलर 1 कलर 2 पहले पढ़ाए थे. कलर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ग्रीन कलर. ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कलर पैलेट. कलर पैलेट के अंदर जाकर ऑफ द टेक्स्ट टैब, टेक्स्ट टैब में जो कि हमें मिलेगा. इसके बाद नंबर 4 स्टेप है मूव द माउस पॉइंटर. माउस पॉइंटर को मूव कीजिए जो कि ड्राइंग एरिया के अंदर हमें मिलेगा. क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स. क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड के ऊपर टू द इंसर्ट टेक्स्ट. और वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जब अपेयर हो जाएगा तो हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं. नंबर 6, टाइप ग्रीन कलर टेक्स्ट. आपने जिस तरीके से एक कर लिया है, आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिया, वो क्या था हमारा ग्रीन कलर था, हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड की मदद से, यूजिंग द कीबोर्ड की वजह से हम लोगों ने अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करा. फिगर 5.3 में हमें दिख रहा है कि ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट कर लिया और ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा अपेयर हो गया. इस तरीके से टैग ये टेक्स्ट बॉक्स है और हम लोगों ने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया. देन हमारा 4th टॉपिक है चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट बुक.
फॉलो दिस स्टेप टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. आप इसकी मदद से अपने टेक्स्ट बॉक्स का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं. बैकग्राउंड कलर जो होता है टेक्स्ट का वो हम चेंज कर सकते हैं. नंबर वन स्टेप, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करिए. फिगर 5.4 में जाकर दिखाया है हमने, 5.4 में अभी हम वो देखते हैं. नंबर टू स्टेप, सेलेक्ट कलर टू. कलर टू को सिलेक्ट कीजिए एंड चूज अ कलर. चूज कर लीजिए कलर को ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंद कोई भी कलर चूज कर लीजिए. से येलो, जैसे कि हमने मिसाल के तौर पे एक येलो कलर चूज कर लिया. फ्रॉम द कलर पैलेट, कलर्स पैलेट में जाकर अपना टेक्स्ट ऐप जो कि हमें कहाँ मिला है टेक्स्ट ऐप के अंदर. इसके बाद नंबर थर्ड है सेलेक्ट ओपाक इन द बैकग्राउंड. ये ओपाक या इसको बहुत सारे लोग ओपाक भी पढ़ते हैं, ओपाक क्यू भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ती हूँ ओपाक पढ़ती हूँ. तो वो हमें कहाँ मिलेगा, बैकग्राउंड ग्रुप में जाके हम ओपाक का ऑप्शन को कर लेंगे. ये रहा हमारा ओपाक का ऑप्शन. इसके बाद नंबर फोर में जाएंगे, मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया के अंदर जाके अपने माउस को मूव करवाएंगे तो वो पॉइंटर में बदल जाता है, आपको पता है. स्टेप नंबर फाइव, क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स विद द सिलेक्टेड बैकग्राउंड कलर एंड टाइप द टेक्स्ट. और अब वहाँ जाकर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. फिगर 5.5 में दिखाया गया है चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया, जबकि इधर हमारा बैकग्राउंड क्या था, वाइट था, बिल्कुल स्क्रीन का कलर था. लेकिन जब हमने ये स्टेप्स फॉलो किए तो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया. मूविंग अ टेक्स्ट बॉक्स, यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स विद इन द ड्राइंग एरिया. लेट अस सी हाउ. मूव द माउस पॉइंटर टू द बाउंड्री ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स व्हेन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ क्रॉस. अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स को मूव करवाने के लिए क्या गया है कि आप लोगों को अगर टेक्स्ट बॉक्स मूव कराना तो क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को बाउंड्री ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स यानी बाउंड्री जो होती है टेक्स्ट बॉक्स इसके पास लेके जाएंगे. इसके बाद व्हेन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ क्रॉस, जब हमारा माउस पॉइंटर हो जाएगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्रॉस के अंदर. ये रहा हमारा क्रॉस, क्रॉस के अंदर चेंज हो जाएगा. और इसके अंदर भी दिखाया गया है किस तरीके से क्रॉस में चेंज हो जाएगा. फिगर 5.4 में, 5.5 में दिख रहा है ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कीजिए न्यू लोकेशन इन द ड्राइंग एरिया, जो कि हमारे न्यू लोकेशन ड्राइंग एरिया पे हमें मिल जाएगा. ये था आज का हमारा लेक्चर. अब हम चलते अपनी वर्किंग की तरफ. हमारी वर्किंग है क्वेश्चन नंबर वन की. क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है. सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है. ये आपका टाइटल पेज. चैप्टर 5 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पेन. मैं यहाँ पर मैं दिसंबर लिखना भूल गई, मंथ नेम. आप लोगों ने दिसंबर मंथ नेम लिखना है. देन आप लोग डेट शो करेंगे. क्वेश्चन आंसर स्कैरिंग. इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू एंटर टेक्स्ट इन पेंट. किस तरीके से टेक्स्ट पेंट के अंदर एंटर किया जाता है, आंसर लिखेंगे. स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल पे इन द टूल्स ग्रुप. टूल्स ग्रुप में जाकर जो कि कहाँ मिलेगा, ऑफ द होम टैब में. नंबर 2 स्टेप, नंबर 2 डालेंगे ब्लू कलर से. क्लिक एंड ड्रैग द माउस. माउस को ड्रैग करेंगे वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट, जहाँ पे आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं. एंड अ ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर, और एक ब्लिंकिंग यानी जलने बुझने वाला एक कर्सर वहाँ पे अपीयर हो जाएगा. तो ये थी आपकी वर्किंग. ओके स्टूडेंट्स, देन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. ये हमारे जो कुछ टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स ही आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं. और आप लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत अच्छे तरीके से करना है. ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.